मैं हूं सानिया रिसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस के लगेज कंपार्टमेंट में सुबह आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक यह आग करीब 8:43 पर देखी गई। इसके बाद आनन फानन में डिब्बे को ट्रेन से अलग करवाया गया। मध्य रेलवे ने बताया कि इस घटना में आग यात्री डिब्बे तक नहीं पहुँच पाई और सभी पैसेंजर सुरक्षित है। इस घटना को लेकर मध्य रेलवे के CPRO की तरफ से बयान जारी किया गया। उन्होंने बताया कि लगेज कंपार्टमेंट में आग की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया है। आज सुबह नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर शालीमार से LTT जाने वाली ट्रेन नंबर 18030 जब 8:43 को स्टेशन प्लेटफॉर्म 3 पर आई तो उसमें जो पार्सल वैन रहता है जिसमें कोई यात्री ट्रैवल नहीं करता, उस पार्सल वैन में हमारे स्टाफ ने इमीडिएटली जो है फायर नोटिस करने के बाद जितने हमारे रिसोर्सेस है या फायर टेंडर्स है उनको कॉल किया। अभी फायर पर काबू पाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की हताहत नहीं, किसी भी प्रकार की जो है इंजुरी किसी भी यात्री या व्यक्ति को नहीं है। इसमें इस डिब्बे में कोई भी यात्री जो है ट्रेवल नहीं कर रहा था। ये पार्सल वैन जो है नेक्स्ट टू इंजन थी तो इसको इमिजिएटली ट्रेन से अलग कर दिया गया है। अभी ट्रेन जो है यात्रियों के साथ उसके डेस्टिनेशन स्टेशन LTT के लिए जल्दी से जल्दी रवाना कर दी जाएगी।